गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 फरवरी 2022 और आज हम निकले हैं सुबह ही सुबह अपनी शिमला की जर्नी पर। और जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, रात में हमने कैंपिंग की है ये धर्मपुर के आसपास। और आइए आपको नज़ारा दिखाते हैं। बाहर जो है बहुत तेज बारिश है। और अभी 4 घंटे हो चुके हैं और लगातार जो बारिश का होना है वो बंद नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हम स्टक हो चुके हैं। बाकी वेदर फोरकास्ट ये बोलता है कि पूरे दिन बारिश रहने वाली है। तो क्या कहते हैं सीटू जी, क्या करना चाहिए हमें बारिश में? जी निकल लेना चाहिए, देखते हैं बर्फ कितनी है। तो हमारे लिए आए हैं, वो चीज देखनी है। बिल्कुल। तो ये है हमारे सीटू जी हैं हापुड़ से और आए हैं स्नोफॉल पहली बार लाइफ में एंजॉय करने के लिए। जी जी। साथ ही साथ तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर है बहुत तेजी से बारिश और आज है 3 फरवरी 2022 और बाइक रेडी है चलने के लिए, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये दिखाते हैं एक नया इन्वेंशन। ये है हमारे सीटू कुमार जी और लवली कुमार जी, भूल गए हैं रेनकोट लाना। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में चलता है जुगाड़, तो इन्होंने क्या किया है, जो कैंपिंग मैट है, देखिए आप वीडियो में देखिए, जो कैंपिंग मैट के टुकड़े बनाकर ये इसको यूज करने वाले हैं एक प्रोटेक्टर की तरह, जो बचाएगा इनको बारिश से। तो सुबह के बच्चे चुके हैं 9:30 और अभी भी हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे ललित भाई किसी तरह से प्लग में पेट्रोल से आग लगा के उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बज चुके हैं 12:30 और फाइनली हमारे मिस्त्री साहब ने बाइक रिपेयर कर दिया है। मिस्त्री साहब आपका नाम? सतपाल राठौर। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सतपाल राठौर जी का, जो कामयाब रहे हमारी बाइक को स्टार्ट करने में। सो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी ऑन द वे टू शिमला ऑन थर्ड ऑफ फेब्रुअरी क्रॉसिंग, क्योंकि अब आने वाली है शिमला की टॉय ट्रेन। सुबह है और आप देखिए शिमला टॉय ट्रेन, कौन सी ट्रेन है ये? रास्ता है कालका शिमला हिमालय क्वीन है। जी हाँ, लीजिए नजारा शिमला कालका ट्रेन का, हिमालय क्वीन है। एग्जैक्टली शिमला और ये शिमला बस स्टैंड वाली रोड है और रोड पर ही आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 6 इंच मोटी बर्फ जो है वो अवेलेबल है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जितने भी घरों की छतें पूरी तरह से भरी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ बर्फ। चारों तरफ का माहौल पूरी तरह सफेद हुआ हुआ। तो आज और आने वाले कल के दिन के लिए जो वेदर का प्रिडिक्शन है वो और भी ज्यादा स्नोफॉल होने वाली है। आप देखिए ये है नजारा, सफेद मक्खन। जितनी भी ये बाइकें हैं अगर सभी पर जमी हुई है। रोड पर आप देखिए ब्लैक आइस आपको मिलेगी। इनफैक्ट जो लोकल गाड़ियां हैं वो चैन से ही ऑपरेट कर रही हैं। और आप ये देखिए पेडेस्ट्रियन, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कितने मनमोहक और कोमल पैरों के निशान हैं। देखिए क्या पहचान पा रहे हैं, ये है छत जो पूरी तरह से लबालब है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट चादर से। जी हाँ, स्नो स्नो स्नो। तो शिमला आज हो चुका है स्पीति की तरह कंप्लीट। तो स्नोफॉल का आप पूरी तरह से एंजॉय करते हुए यहाँ पर सारे पर्यटक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी वीडियो भी आप, ये है नजारा, ये है नजारा जिसके लिए जाना जाता है शिमला, शिमला द क्वीन ऑफ हिल्स। आप देख सकते हैं कितनी तेज बर्फबारी होती हुई और मेरी स्क्रीन पर पूरी तरह से जम चुकी है।
आज डेट हो चुकी है 4th of February 2022 और इस समय हम अवेलेबल हैं शिमला में बस स्टैंड के पास। भयंकर बर्फबारी का नजारा। डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कहां पर बर्फ है और कहां पर बादल है, क्योंकि इस समय बादल और बर्फ दोनों एक से हो चुके हैं। ऊपर भी वाइट, नीचे भी वाइट। और ये देखिए, शायद ये जगह तो आप पहचानते होंगे, ये है शिमला का बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड। बर्फ, गाड़ियां मानो सफेद मक्खन से सज गई हैं। क्या बेहतरीन नजारा है। बर्फबारी है वो 15 सेंटीमीटर तक हो चुकी है और 15 सेंटीमीटर तकरीबन आधा फुट की जो बर्फ है वो रोड पर भी, गाड़ी पर भी, सभी जगह जमा हो चुकी है। आधा फुट की बर्फ ऑलरेडी रोड पर जम चुकी है। ओ माय गुडनेस, सफेद रंग के अलावा कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ सफेद। ओ ये 15 इंच होगी, आधा फुट है बर्फ। तो मैं बनाते हुए शिमला मॉल रोड पे, ये हमारे भाई जी हैं हनी भाई, साथ ही साथ ये दो और अमलिंदर भाई जी, बहुत अच्छा स्नोमैन बनाया है शिमला की वादी को और खूबसूरत करते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू विजिट द चैनल अगेन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।